अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में होने जा रहे विश्व प्रसिद्ध मिसेस ग्लोबल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बेटी जूही व्यास करेगी भारत का प्रतिनिधित्व, जिसको लेकर उन्होंने मीडिया से की चर्चा। दुर्ग छत्तीसगढ़ की बेटी जूही व्यास अमेरिका में आयोजित होने जा रही मिसेस ग्लोबल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर हिस्सा ले रही है। गौरतलब है कि विश्व प्रसिद्ध मिसेस ग्लोबल प्रतियोगिता का आयोजन इस माह अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में होने जा रहा है, जिसे मुख्य रूप से 80 देशों की प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान जूही व्यास ने बताया कि इसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रतिभागी बनने का मौका मिला। जूही व्यास पहली भारतीय है जो इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। आगे चर्चा में जूही ने बताया कि उनका जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में हुआ है। 11 वर्ष की उम्र से ही माँ के ब्यूटी पार्लर में हाथ बटाते हुए कम उम्र में ही शहर की एक मजबूत युवा महिला उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना पाई। इसके साथ ही मिसेस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप रही मिसेस जूही व्यास ने मिसेस इंडिया ग्लोबल 2023 का ताज अपने नाम किया। इस संबंध में मीडिया को उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि 2 साल मुझे लगे थे मिसेस इंडिया की तैयारी करने में और 1 साल मुझे मिला है मिसेस ग्लोब की तैयारी करने के लिए। इसमें हर तरीके से मेहनत करनी होती है, बिकॉज 2 बच्चों के बाद वापस शेप में आना मुझे लगता है आप सब जानते हैं कि इजी नहीं होता है। तो अपने घर को संभालते हुए, अपने बिजनेस को संभालते हुए मैंने अपनी फिजिकल फिटनेस पर बहुत ध्यान दिया है। उसके अलावा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया ब्यूटी विद पर्पज एंड ब्यूटी विद ब्रेन्स अब पैजेंट्री की परिभाषा बन चुकी है। वो समय गया जब सुंदर कपड़े पहन के युवतियाँ जब सिर्फ चलती थी तो उन्हें लगता था कि वो ब्यूटीफुल हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत में जब तक सब्सटेंस नहीं है, वेट नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बहुत तैयारी की है और मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी और आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। इस कॉन्टेस्ट में 80 देशों से प्रतिभागी आ रहे हैं और मेरे लिए बहुत बड़ी मैं बोल सकती हूँ कि बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन अपनी जगह है पर इतने सारे देशों के लोगों से मिलना जो इतनी अलग डाइवर्स जगहों से आ रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ऐसे लोगों से मिलने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ऐसी महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ या बनूंगी, जिससे वो भी शायद ये लेसन ले पाएंगी कि शादी के बाद सब बंद हो जाता है, ऐसा प्लीज़ सोचना बंद करिए। जब मैं 2 बच्चे होने के बाद शादी के 10 साल बाद ही कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, ये तो बस शुरुआत है। मैं सच बताऊँ मुझे ना ये सब चीज़ों में सच में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बहुत एड्स, मुझे डव के कमर्शियल का ऐड आया था, मुझे तापसी पन्नू के साथ ऐड आया था, कमर्शियल का ऑफर आया था, बट मैं इन चीज़ों में आगे नहीं जाना चाहती। मैं अपने राज्य में रह के, अपने छत्तीसगढ़ में रह के यहाँ काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जड़ें यहीं से हैं, मेरा परिवार यहीं पर है और मेरी खुशी मेरे बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ में है। तो मैं आगे जाके अगर अपॉर्चुनिटी आती भी है कुछ काम करके वापस आने में, मैं उसको ज़्यादा बेहतर मानूंगी। मुझे यहाँ रह के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। वुमेन एम्पावरमेंट जो मैं बात कर रही थी, मुझे उसको अपने प्रदेश में आगे बढ़ाना है। मैं सारे कॉन्टेस्ट के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, मैंने वही आपको बोला कि आपको चेक करना चाहिए किसी भी पार्टिसिपेशन, कोई भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के पहले, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइज़र कौन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर कौन है, और उनसे ये सवाल पूछिए कि आप इसके बाद मुझे क्या अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। लोकली पार्टिसिपेट करना तो हम स्कूल में भी करते आए हैं, कॉलेजों में भी करते आए हैं, उससे कोई लाभ हुआ है? उससे बस ये लाभ होता है कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको कोई टाइटल नहीं मिलता है लोग आपको हल्के में लेते हैं। अगर आज मैं एक नॉर्मल फीमेल की तरह आती, बिना जीते और आपसे बात कर रही होती, तो क्या आप मुझे ये वैल्यू दे रहे होते? बिल्कुल नहीं। तो टाइटल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से आप वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, तो शायद ये वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने वाली चीज़ है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आज इससे मुझे लाभ होने वाला है तो मेरे साथ की मेरी सारी बहनों को भी इन चीज़ों का लाभ। तो देखिए, जब भी आप किसी पेजेंट में पार्टिसिपेट करते हैं सबसे पहले चेक करिए कि इनके पास कौन सा नेशनल लाइसेंस है, और अगर आप मिसेस छत्तीसगढ़ या मिस छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं तो क्या आपको नेशनली रिप्रेजेंट करने का या नेशनली पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ आप अपने पैसे सोच समझ कर लगाइए, क्योंकि जो लोकल लोग हैं वही ये कंपटीशन करते हैं, वही आपको टाइटल देते हैं, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। आपके पैसे लग रहे हैं, आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, बिना सही मार्गदर्शन के आप आगे कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले आपको लाइसेंस चेक करना है कि जिस भी पेजेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या उनके पास नेशनल लाइसेंस है, और अगर नेशनल लाइसेंस है तो जीतने के बाद क्या उनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है जिसके कारण आप आगे बढ़ सकें। नहीं तो इन सारे कॉम्पिटिशन्स का कोई मतलब नहीं है, ये लोगों को सिर्फ गलत राह पे भटकाने जैसी बात है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।